थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माननीय अब्दुल बहाव जी। माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। मैं एक दो मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा श्रीमान। इसमें दो मिनट अधिक बोल सकते हैं डॉक्टर साहब। मेरे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कभी कभी बिजली का ग्रिड फेल हो जाता है। इसमें ग्रिड वगैरह फेल होने की जरूरत डर नहीं रहता। हाँ, मंत्री जी जो पैनल बनाती हैं कंपनियाँ, मेरा सुझाव सिर्फ है और ज़्यादा मैं कोई लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ उस पर, वो कुछ इतने सब स्टैंडर्ड होते हैं कि वो ज़्यादा दिन जो गारंटी देते उतना चलते नहीं, उन पर निगरानी की ज़रूरत है। दूसरे खेती के लिए, सिंचाई के लिए और स्कूलों के लिए जो कंसेशन के उस पर कनेक्शन दिए जाते थे जो लेते हैं, उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि उसमें कई बार एक महीना भी लग सकता है। अगर किसी किसान को ज़रूरत है, बिजली नहीं आ रही है और किसी वजह से या नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, वो लगवाना चाहता है, तो फिर उसे प्राइवेट लोगों से लगाना पड़ता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरी गेहूं की फसल सूख रही थी, बिजली आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा सोलर से लगा लूँ तो ये संकट ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये कंसेशन पर जो है इसमें एक महीना लगेगा, मगर तब तक तुम्हारी फसल सूख जाएगी। तो जिस प्राइवेट लगवाया तो एक कंसेशन 3 लाख रुपया लगभग लगा। तो ये जो फॉर्मेलिटीज ज़्यादा हैं, कंसेशन दे रहे हैं कि बंद कर दिया, आरके सिंह साहब दे रहे थे, अब पता नहीं आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो वो उसकी फॉर्मेलिटी इतना ज़्यादा मत कीजिए कि टाइम बहुत लगे। और क्वालिटी जो पैनल्स की होती है, वो जो बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं उन पर नज़र होनी चाहिए आपके अधिकारियों की, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि जो स्कूलों में या किसानों को जो पैनल सप्लाई करते हैं, देते हैं, ऊंची दर पर देते हैं और ख़राब निकल जाते हैं, उस पर रहना चाहिए। और एक बात और मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे भाषण कई लोगों ने दिए, उधर से भी इधर से भी, लेकिन उधर से जो आपके लोग मंत्री जी लिख के दे देते हैं तो कई बार उसमें इतनी अतिशयोक्ति हो जाती है कि उसको थोड़ा सा कम करें ताकि वो प्रैक्टिकल लगे कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था कि आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे, आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। आपके बैठ गया मैं। हाहाहा